बच्चों आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिक्षेपण या फिर अपकिरण के माप के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने चतुर्थक का विस्तार, विचलन या विस्तार के बारे में पढ़ा, आज हम माध्य विचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि माध्य विचलन क्या है। समंग श्रेणी किसी सांख्यिकी माध्य से समंग श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के विचलनों का अंक गणितीय माध्य उसका माध्य विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के जो समंग श्रेणी होता है उसके जो माध्य होता है उसको हम माध्य विचलन कहते हैं। इसके साथ साथ जैसे क्लार्क सकाड़ी के अनुसार माध्य विचलन एक वितरण के पदों के माध्य या माध्यिका से विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करते हुए, चिन्हों की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं, ज्ञात विचलनों को औसत मात्रा में विचलन गणितीय माध्य के लिए जाने के कारण माप के प्राय माध्य विचलन कहा जाता है। जब विचलन की गणना करते समय हम बीजगणितीय चिन्ह जिसमें माइनस प्लस का हम देख रहे थे, माध्य में आपने देखा होगा, माध्यिका में देखा होगा कि हम जो कर रहे थे उसमें प्लस माइनस लेकर चल रहे थे, उसमें जो है निरपेक्ष विचलन, जब हम निरपेक्ष विचलन ज्ञात करेंगे तो उसको इस तरह से लिखा जाता है जिसमें कि प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। फिर इसमें ये सूत्र दिए हुए हैं, ये जो है ये माध्य का है, ये माध्यिका का है और ये बहुलक का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे जो है माध्य के विचलन, जो माध्य से विचलन है उसको दर्शाता है। फिर सिग्मा डी ये जो है वह माध्य निरपेक्ष विचलनों का योग है। इसी तरह से ये सारे चिन्ह जो है ये माध्य का निरपेक्ष विचलन है, बहुलक के माध्य विचलन है, बहुलक के निरपेक्ष विचलन है और पदों की संख्या है। इस तरह से ये इसमें सूत्रों में ये दर्शाया जाता है। अब देखेंगे कि सूत्रों का हम उपयोग कैसे करेंगे। अब समांतर माध्य जो है उससे माध्य का माध्य और माध्यिका इसके माध्य विचलन को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में ये जो है ये गणित दिया हुआ है उसको हम पहले ये सारणी में इस तरह से लिख लेंगे, जिसको क्रमांक लिख दिया है, पद का आकार लिख दिया है। फिर है माध्य से निरपेक्ष विचलन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य को ज्ञात करेंगे। तो माध्य जो है इसको ज्ञात करने के लिए 357 जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे 357, एन कितना है हमारा 7 है। जब इससे जब हम भाग देंगे तो हमारा इसका आ जाएगा 51। अब 51 कहाँ है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जो 51 आया है वह, फिर उसके बाद फिर जो ये माध्यिका है इसको भी हम देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसमें ये हो गया 9, क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है इसलिए उससे इसको हम इन संख्याओं से इसको 51 को क्या करते जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो ये संख्या हमारी सारी प्राप्त हो जाएगी 1, 3, 5, 6। इस तरह से हमने जो ये माध्य को घटाया तो हमें ये संख्या निरपेक्ष विचलन जो है वह प्राप्त हो गई। उसी तरह से जो माध्यिका से है तो उसको हम क्या करेंगे, एन प्लस वन जो लिखा हुआ है तो 7 ÷ 1/2 बराबर यहाँ पर आ गया 8, ये आ गया। जब हमने इसको काटा और तो ये क्या हो गया, ये 4 आ गया, चौथा पद ये आ गया। तो चौथा में हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये 52 मिल गया। तो हम इसको भी क्या करेंगे, उसको भी इसी तरह से घटाते चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसको जब घटाएंगे ये 42 से 52 को, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10। फिर इसको घटाया तो हमें मिल गया 5, 3। फिर यहाँ 52 से 52 गया तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास 2, फिर 4, यहाँ पर ये 5। हम जब पहले माध्यिका कर रहे थे उसमें ये से जब संख्या घट रही थी तो ये प्लस में आ रही थी और ये ऊपर की छोटी संख्या घट रही थी तो माइनस आ रही थी। लेकिन जब हम विचलन ज्ञात करते हैं तो उसमें इसमें ये सारी चीज़ें जो क्या हो जाती हैं, इसमें प्लस माइनस को नहीं देखा जाता है। तो इसमें ये जो जब हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो ये 30 है और माध्यिका विचलन ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्य से विचलन का जो सूत्र दिया उसमें हमारे पास ये कितना है, माध्य का जो है वह ये है, ये क्या दिया हुआ, सिग्मा डी ए, ये है सिग्मा डी एम। तो ये लाइन लगाते हैं इसका मतलब ये होता है इसमें हमको प्लस माइनस नहीं लेना है। तो इसमें जब हम सूत्र में संख्या रखेंगे तो ये हो जाएगा 30/7, जब इसको हम काटेंगे तो इसमें हमको संख्या मिल जाएगी 4.29। उसी तरह से हम ये जो है ये माध्य का विचलन,
इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे सूत्र दिया हुआ है इसमें हम ये रख देंगे। इसमें हमारे पास क्या है 29/7, जब इसको हम काटेंगे इसमें हम क्या मिल जाएगा 4.14। ये जो है माध्य से विचलन ज्ञात किया और ये मध्यिका से विचलन ज्ञात किया। अब इसके आगे देखेंगे हम खंडित श्रेणी में माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करना। तो ये पूरा ये जो गणित जो है, सिर्फ इतना गणित जो है आपको दिया हुआ रहेगा, उसको इस तरह से लिखकर इस तरह से हम सारणी बनाएंगे, फिर इसको वो करेंगे। जैसे माध्य का हम ज्ञात कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले ऐसा लिख रहे थे, फिर उसके बाद फिर ये MF मतलब इसका और इसका गुणा किया तो ये पूरी संख्या आ गई। उसके बाद फिर जब हमने यहाँ पर जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा MF बटे N, तो हमारा कितना है 102 बटे क्या दिया हुआ है 21, ये जो 21 दिया हुआ N, ये आ गया। फिर उसके बाद जब हम इसको भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 4.85। तो हमने 4.85 को जब विचलन माना है तो उससे हमने ये पूरा इसको वो गणित कर दिया। जब इसको किया तो यहाँ पर फिर ये F का गुणा जो है इस किसके साथ होगा, जो ये D है इसके साथ ये F का गुणा होगा, तो हमारे पास ये संख्या जो है ये ज्ञात हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम उसको टोटल कर देंगे, टोटल करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम इसको भी सूत्र में रखेंगे, जैसे 34.85 बटे कितना हो गया ये 4.85, जब इससे हम भाग देंगे हमारे पास हो जाएगा 1.66, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमें गुणांक ज्ञात करनी है तो गुणांक जब हमें ज्ञात करनी होगी तो ये सिग्मा ए बटे ये लिखेंगे, इसके बाद फिर उसमें जो हमें प्राप्त हुआ है 1.66 बटे जो हमें ये जो प्राप्त हुआ है 4.85, यहाँ पर हो जाएगा 4.85, जब इससे हम भाग देंगे तो हमारे पास 0.34 प्राप्त हो जाएगा। गुणांक में हमने अक्सर देखा है कि वह एक से कम ही आता, एक आएगा या एक से कम आएगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, माध्य द्वारा माध्य का विचलन ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे माध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करना। माध्यिका में भी वही है, पेज सेट नहीं हुआ क्या? तो माध्यिका द्वारा माध्य विचलन की हम गणना करेंगे। इसमें ये जो है ये पूरी आपको गणित दी हुई रहेगी, इसको हम क्या करेंगे पहले इस तरह से लिखेंगे, फिर उसके बाद माध्यिका में जैसे हम कर रहे थे संचयी आवृत्ति बना रहे थे तो इसको हम पूरा 16 16 में फिर उसके बाद 30 जोड़ 46 इस तरह से ये संचयी आवृत्ति हमें ज्ञात हो गई। तो यहाँ पर ये और ये जो संख्या होती है ये कैसी होती है, बराबर आती है। फिर माध्यिका जो विचलन है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर N+1 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, एन जो हमारा है 100 ÷ 1/2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 101/2। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे 50.5 पद आएगा, तो यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 से माध्यिका जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है 2, तो हम 2 से जो है यह जो है विचलन ज्ञात करेंगे। जब 2 से यहाँ पर करेंगे तो 2 से यहाँ पर 0 से 2 / 2 ही आया, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ से इस तरह से ये संख्या हमारी आती चली जाएगी। फिर उसके बाद फिर इसको हम क्या कर देंगे, इसको ये आवृत्ति है, आवृत्ति से जब हम गुणा कर देंगे तो ये सारी संख्या जो है हमें प्राप्त हो जाएगी और फिर हम उसे जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद जो है सूत्र में हम ये संख्या को रखेंगे बटे 100, जब 100 से हम उसको भाग देंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 1.12। ये क्या मिल गया हमको, विचलन प्राप्त